Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you protozoan. और प्रोटोजोन के अंदर इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अमीबा और जूफ्लैजिलेट को डिस्कस किया था. आज हम सिलिएट्स, फॉर्मेनिफोरेंस और एक्टिनोपोड को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोटोजोन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सीलिया कहते हैं ये मौजूद होगा, इन्हें हम सिलिएट्स कहते हैं. और सीलिया का फंक्शन इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन है, यानी इनकी बीटिंग की वजह से ये प्रोटोजोन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की सलाहियत रखते हैं. उसके बाद अगर पेलिकल की बात करें तो इनकी बॉडी के एक्सटर्नल, इनकी बॉडी के बाहर फ्लेक्सिबल कवरिंग पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं. ये डियर स्टूडेंट्स पैरामीशियम है जो कि प्रोटोजोन है. इसकी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर ये जो ग्रीनिश कलर में हमने शो की है ये पेलिकल है. तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज पेलिकल. ये फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप को मेंटेन करती है, लेकिन ये इतना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं कि इसकी एक खास स्पेसिफिक शेप बना सके. तो इसलिए इसकी शेप चेंजेबल होती है, ये तब्दील हो सकती है. सीलिया इनकी बॉडी की लोकोमोशन में हेल्प देते हैं और ये सीलिया कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करते हैं. इनमें रबत होता है, एक खास तरतीब होती है जिसकी वजह से ये पैरामीशियम या प्रोटोजोन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे, लोकोमोशन इन पैरामीशियम. उसमें हम देखेंगे कि सीलिया कैसे बीट करते हैं और इनकी बीटिंग की वजह से ये पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. इनमें इफेक्टिव स्ट्रोक भी इन्वॉल्व होता है, रिकवरी स्ट्रोक भी होता है जिसकी वजह से सीलिया बीट करते हैं. तो सेकंड ईयर के अंदर ये टॉपिक हम बड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सीलिया लोकोमोशन के अंदर हेल्प देते हैं. और इस लोकोमोशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने बताना है कि जब ये सीलिया बीट करते हैं तो पैरामीशियम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी जा सकता है, उसके बाद ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूवमेंट हो सकती है, या ये रोटेशनल मूवमेंट भी हो सकती है, यानी ये अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट भी कर सकता है. अब कुछ ऐसे सिलिएट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ससाइल होते हैं, इमूवेबल होते हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं. और इसके अंदर डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल है स्टेंटर की. स्टेंटर किसी भी सबस्ट्रेट के साथ क्लिंग करता है, अटैच रहता है, ताकि वहां पर ये फूड को ट्रैप कर सके. एक दफा फिर सुन लें, सारे सिलिएट्स ये मोबिलाइज नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ससाइल होते हैं. स्टेंटर जो कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद वहां से अपनी फूड को ऑब्टेन करता है. ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेंटर का स्ट्रक्चर है, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच है. ये जो ब्लैकिश लाइन आपको नजर आ रही है ये सबस्ट्रेट है. तो स्टेंटर इसके साथ अटैच होता है. अटैच होने के बाद इसकी बॉडी के ऊपर जो सीलिया है ये सीलिया फूड के पार्टिकल को अपने साथ ट्रैप करते हैं और इस तरह ये फूड को ऑब्टेंड करता है. अगर इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटोजोन के ऊपर फीड करता है. इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है. चूंकि ये वाटर के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, तो इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर का इनटेक है वो काफी ज्यादा होता है. तो एक्सेसिव वाटर को ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करते हैं. इसका हम फंक्शन भी ये लिखेंगे कि जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एक्सपेल करता है एक्सेसिव वाटर को. बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक स्पंज होता है, एक फोम होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. आप उसे प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे उसे एक्सेसिव वाटर बाहर चला जाएगा. तो ये भी कंट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर बाहर चला जाता है. इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लाई हैं, एक माइक्रो जो कि टू एंड होता है. डियर स्टूडेंट्स, एन हैप्लॉइड नंबर को कहते हैं और टू एंड मीन डिप्लॉयड. और मैक्रो न्यूक्लियस जिसके अंदर कई ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, इन्हें हम मैक्रो
न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड कहते हैं। पॉलीप्लॉइड मीन मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम जिनके अंदर होंगे, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और डियर स्टूडेंट्स जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये ग्रोथ और मेटाबोलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगा। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के जरिए होती है। कॉन्जुगेशन इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, दो पैरामीशियम एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद इस तरह आपस में सीलिया की मदद से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाते हैं, और कॉन्जुगेटिंग ट्यूब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करती है। तो ये आप इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फॉर मैनी फ्रेंड्स और एक्टिनोपोर्स की अगर हम बात करें तो ये शेल्ड प्रोटिस्ट हैं, इनके ऊपर टेस्ट पाया जाता है, इनके ऊपर आउटर कवरिंग पाई जाती है, और हमने ये डिस्कस करना है कि इनका हैबिटेट कहाँ पर है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर इनके हैबिटेट की डियर स्टूडेंट्स बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, यानी साल्ट वाटर के अंदर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर इनके शेल की बात करें, ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है। फॉर मैनीफ्रैन का शेल कैल्शियम से मिलकर बनेगा, और उसके बाद एक्टिनोपोड का शेल ये सिलिका से मिलकर बनेगा। एक दफा फिर सुन लें, ये एमसीक्यू भी है डियर स्टूडेंट्स। जो फॉर मैनीफ्रैंस हैं इनका शेल कैल्शियम से मिलकर बनता है और एक्टिनोपोड का सिलिका से। इनके अंदर से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जो कि फूड को ट्रैप करती हैं। यहाँ पर हमने एक्टिनोपोड और फॉर मैनीफ्रैन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। इसमें हम देखते हैं कि एक्टिनोपोड्स के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर आती हैं जो कि फूड पार्टिकल को ट्रैप करती हैं, और ट्रैप करने के बाद ये फूड पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब चाक कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको चाक का नहीं पता क्योंकि आपकी जनरेशन अभी वाइट बोर्ड और मुख्तलिफ किस्म के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे एजुकेशन हासिल कर रही है, लेकिन जब हम छोटे थे तो तब ब्लैक बोर्ड होते थे, उनके ऊपर चाक से लिखा जाता था, उनके अंदर कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार थी जो कि उस चाक के लिखने की वजह से उड़ती थी, और वो कपड़ों के ऊपर भी और वैसे भी हाथों के ऊपर भी लग जाता था, और उसके साथ इतना जो हम प्यारा करके लिखते हैं जिसमें कलरेशन आ जाती है ये हम चाक से नहीं थे कर सकते। तो ये चाक कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बताना है। जैसे ही फॉर मैनीफ्रैन डाई करते हैं, इनकी डेथ के बाद ये सिंक कर जाते हैं इनटू द बॉटम ऑफ ओशियन, ओशियन की तह के अंदर चले जाते हैं, और तह के अंदर जाने के बाद ये वहां पर बनाते हैं ग्रे मड। अब ग्रे मड आगे क्या बनाती है, ये चौक के अंदर चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे चौक बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इस टॉपिक के अंदर ये अलग से भी पूछा जाता है। एक्टिनोपोड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर आती हैं जिनकी वजह से ये फूड को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद बॉडी के अंदर लेके जाएगा। फॉर मैनीफ्रैन की बॉडी भी इस तरह स्फेरिकल होती है, लेकिन इसकी बॉडी पोरस है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। फॉर मैनीफ्रैन मीन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पोर्स होते हैं, लेकिन इनसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था प्रोटोजोन। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।